क्रोम वेब ब्राउज़र पर अपने व्हाट्सएप अकाउंट से मैं डाउनलोड इमेज कर रहा था, तो तभी मुझे अचानक से मैसेज कुछ इस तरह का मैसेज दिखाई देता है, फेल्ड वायरस स्कैन फेल्ड कुछ इस तरह का मैसेज दिखाई देता है, और इसके बाद से मैं कोई भी इमेज या फाइल डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं भी हो सकता है कि आपको भी कुछ इस तरह का मैसेज आया हो, या फिर कभी आप क्रोम वेब ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं और आगे भी आपको मैसेज आ सकता है इस तरह का, और आप भी कोई भी फाइल या फ़ोटो डाउनलोड ना कर पाएँ। तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ, तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेरा एक व्हाट्सएप अकाउंट ओपन है और यहाँ पर मैं इस इमेज को डाउनलोड करता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी इमेज है वो फेल्ड हो चुकी है, डाउनलोड नहीं हुई है, और लिखा हुआ आ गया है फेल्ड वायरस स्कैन फेल्ड। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सिस्टम पर, कंप्यूटर पर रन को ओपन करना होगा। तो रन को ओपन करने के लिए विंडो की प्लस आर को प्रेस करेंगे। जैसे हम विंडो प्लस आर की प्रेस करते हैं, तो हमारे सामने रन ओपन हो जाती है रन कमांड, और उसमें हमें टाइप करना है रेग एडिट। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी टाइप है पहले ही, तो यहाँ पर रेड एडिट टाइप करना है। रेग एडिट टाइप करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ रजिस्ट्री एडिटर का पेज ओपन होता है, और इसमें हमें कुछ फंक्शन मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर एच की लोकल मशीन को, यहाँ पर जो एरो दिख रहा है, इसे हमें एक बार क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो इतने भी ऑप्शन थे वो शो हो जाएंगे हमें। तो इसी तरह हमें सारे ऑप्शन को शो करते जाना है। तो चलिए, हमने इस ऑप्शन को ओपन कर लिया। अब इसके बाद हमें सॉफ्टवेयर पर ओपन करना है सॉफ्टवेयर को। तो इस पर क्लिक किया, सॉफ्टवेयर को क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर विंडोज़ को ओपन करना है। तो विंडो के लिए हमें नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर ये रही विंडो, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पर ऊपर ही हमें दिखाई देता है विंडोज़ में सबसे ऊपर करंट वर्जन, हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब हमें इसमें पॉलिसीज़ को सर्च करना है। तो पॉलिसीज़ हमारी ये रही पॉलिसीज़, तो इसको भी हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर हमें दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है अटैचमेंट, तो हमें अटैचमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ फाइल दिखाई दी जाती है, जो स्कैन विद एंटीवायरस ये लिखा हुआ है। तो इसको हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके हम इसको मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, और मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वॉल्यूम डाटा लिखा हुआ है, इसके नीचे जो बॉक्स बना हुआ है हमें इसमें तीन को यहाँ से डिलीट करना है, और इसमें हमें वन प्रेस कर देना है। वन प्रेस करने के बाद ओके कर देना है। जैसे हम इस यहाँ पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद जो हमें मैसेज बार बार आ रहा था वो आगे से मैसेज नहीं आएगा। देखिए, मैं दिखा देता हूँ कि मैंने इसको ओपन किया, और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इससे जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और आने वाले जो हमें इस तरह का मैसेज कभी आएगा, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।